राम जन्मभूमि का एग्ज़िट गेट बनना है, यहाँ पे बनेगी एग्ज़िट गेट। और बाकी जो एक और रास्ता बन रहा है एंट्री का, जो कि फाइनली कोई नेता वगैरह कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो वो जिस गेट से एंट्री करते हैं राम जन्मभूमि पे, वो गेट आगे आपको मिलेगा। ये जहाँ से अभी ये PSC की गाड़ी जा रही है, ये वाली गेट, यहाँ से कोई अधिकारी या कोई नेता वगैरह आता है तो वो एंट्री लेता है। तो मैं शुभम अयोध्या उत्तर प्रदेश से, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली अभी मैं हूँ रानोपाली पराग के पास। ये जो राम पथ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो आप देखेंगे तो यहाँ कितना बड़ा भाई भारी गड्ढा खोदा जा रहा है, क्योंकि इधर बनना है जो पुल बना हुआ था इधर से पानी निकलने के लिए इधर साइड के लिए। तो अभी फाइनली देखेंगे आप तो कितना भारी कितना गहरा गड्ढा अभी कंप्लीट हुआ खोद के, अभी और भी काम इसमें होना है। और ये देखेंगे तो आप, आपको अयोध्या में केवल किराने किरान दिखाई देंगे। तो फाइनली चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कितना डेवलप हुआ है राम पथ कार्य में और अभी कितना कार्य बचा हुआ है राम पथ कार्य कंप्लीट होने में। तो अभी कभी लेफ्ट रास्ता ओपन होता है तो कभी राइट, अभी फाइनली राइट वाले रास्ते पे काम चल रहा है, लेफ्ट वाला ओपन किया गया है। और देखेंगे तो जो बाएं बाएं साइड पे शीबर वगैरह का काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, और ऊपर से मिट्टी वगैरह भी ढाल दी गई है शीबर के। और अभी यही शीबर राइट साइड बनना है, इस वजह से लेफ्ट वाला रास्ता ओपन करके राइट वाला रास्ता क्लोज किया गया है, जिससे उस पर भी काम हो सके। और उस साइड भी खुदाई हो चुकी है सीवर का। और ये आप देख सकते हैं जो पुराना रानोपाली का जो रोड पे बना हुआ था दुकानें वगैरह वो टूट के, और बाकी जो राइट साइड पे सीवर का काम चल रहा है वो देखेंगे तो ऐसे गाड़ियां आपको खड़ी मिलेंगी पूरे रोड पे, जो कि काम चल रहा है इस समय। राम पथ कार्य में काफ़ी तेज़ी आई है पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जल्दी पूरा कंप्लीट करना है रास्ता। और यहाँ भी आप देखेंगे एक गाड़ी यहाँ भी खड़ी है आपको मिलेगी, और एक गाड़ी आपको आगे भी मिलेगी। अभी फाइनली पहुँचे साकेत डिग्री कॉलेज, और यहाँ भी एक गाड़ी आपको खड़ी हुई मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि राम पथ कार्य काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द पूरा रास्ता कंप्लीट करना है राम पथ कार्य का। तो अभी फाइनली पहुँचे हैं साकेत डिग्री कॉलेज, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जाम लगता है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे खुदाई हो रखी है। कॉलेज के आगे भी आप देखेंगे तो इधर खुदाई चल रही है, उधर जो सीवर का काम चल रहा है वो, और बाकी इधर खोद के सीवर की गड्ढे बनाई जा रही है वो। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जाम इस रूट पर मिलेगा राम पथ पे, तो बहुत ज़रूरी अगर काम हो तभी इस पथ पे आए, अन्यथा जाम में आप फंसेंगे, अंदर से बाहर से ही आ पाएँ। तो अभी इतना तेज़ी से काम इसीलिए किया जा रहा है कि जिससे ये जो जाम लगता है वो ना लगे और काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। पहले पहुँचे टेढ़ी बाज़ार, और टेढ़ी बाज़ार पे आप देखेंगे तो ये जो टेढ़ी बाज़ार का चौराहा है वो लेफ़्ट वाला रास्ता सीधे राम जन्मभूमि के पीछे वाला जो द्वार बन रहा है वहाँ पर जाएगा, और राइट वाला रास्ता सीधे हाईवे पे जोड़ेगा, जिससे राम जन्मभूमि के आने के लिए आसानी हो और रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जुड़ेगा। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी दो, वो जो दुकानें अलाट होंगी वो, बाकी ये टेढ़ी बाज़ार गोल चक्र, ये मस्जिद टूटना है। अभी तो फ़िलहाल एक ही मस्जिद टूटी है इस रोड पे, बाकी ये भी अभी टूटना है, मार्किंग वगैरह हो चुका है। अभी इसका डेट देखो कब आता है टूटने के लिए, जब टूटेगा तो गाइस उसका भी वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के बीच में। तो राम जन्मभूमि का एग्ज़िट गेट बनना है, यहाँ पे बनेगी एग्ज़िट गेट। और बाकी जो एक और रास्ता बन रहा है एंट्री का, जो कि फाइनली कोई नेता वगैरह कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो वो जिस गेट से एंट्री करते हैं राम जन्मभूमि पे, वो गेट आगे आपको मिलेगा। ये जहाँ से अभी ये
SC की गाड़ी जा रही है, ये वाली गेट, यहाँ से कोई अधिकारी या कोई नेता वगैरह आता है तो वो एंट्री लेता है। तो फाइनली अभी पहुँचे हैं श्री राम हॉस्पिटल। अभी इधर थोड़ा सा काम, जो मंदिर वगैरह टूटा था उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है जिससे काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हो सके। बाहर भी बनाया जा रहा है, बाकी अंदर भी देखेंगे। तो ये पूरा एरिया पार्किंग एरिया बनाई जा रही है लेफ्ट, और बाकी राइट साइड ये बिरला धर्मशाला आप देखेंगे तो इसकी जो दीवारें बननी थी वो कंप्लीट हो गई, चार दीवारी। बाकी ये पार्किंग एरिया, और बाकी जो राम भक्ति पथ है वो भी लगभग 50% कम्प्लीट ही हो गया। बाकी अभी 50% कार्य बचा है राम भक्ति पथ का। अभी उसमें और तेज़ी लाई जा रही है राम भक्ति कार्य में। भी इधर सीवर का काम थोड़ा सा बचा हुआ था वो कंप्लीट हो रहा है देखेंगे तो। जहाँ जहाँ अभी सीवर का काम बचा हुआ था वो कंप्लीट किया जा रहा है। और अभी ये पोस्टर बैनर आपको देखने को मिलेंगे कि रामपथ कार्य प्रगति पर है, क्योंकि इसके काम में काफ़ी तेज़ी लाई जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द रामपथ निर्माण कार्य, जो कि फाइनली अयोध्या से जितनी एरिया पड़ रही है वो कंप्लीट किया जाए, और बाकी आगे का धीरे धीरे चलेगा, तब भी कोई दिक्कत। 13 किलोमीटर बनना है तो फाइनली जो 6 किलोमीटर की रेंज है वो तो कंप्लीट जल्दी से जल्दी करना है गवर्नमेंट को। तो यहाँ देखेंगे आप जाम, हनुमानगढ़ी के साइड वाला रास्ता है, उस पर जो दुकानें हैं उसमें ज़्यादातर दुकानें कंप्लीट ही हो गए हैं, बाकी भगवा कलर का रंगा भी गया है। अभी बस सीवर नहीं बना था, बस सीवर बनना बाकी है। बाकी जो 2047 का मैनिफेस्टो है उसमें ये दिखाया गया कि अंदर जितने भी दुकानें हैं सब हटा दी जाएंगी, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने के चांसेस हैं, इस वजह से काफ़ी स्पेस रखा जाएगा खासकर अंदर। तो अभी तो बहुत लंबा कार्य चलेगा यहाँ अयोध्या में। और बाकी अभी भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मालवा ही फैला हुआ है, जो राम भक्ति पथ कार्य था, जो काम हो रहा है उसकी वजह से। तो इधर बस रास्ता चौड़ीकरण हुआ था, बाकी सीवर का काम नहीं हुआ था। अभी फाइनली सीवर का काम इधर जोरों पे है। और बाकी जिनकी टूटी-टूटी मकानें जो कंप्लीट किए हैं वो आप देख सकते हैं कि वो अपना कंप्लीट करके रंगाई वगैरह कर चुके हैं। अभी जितना एरिया लेना था गवर्नमेंट को उतना ले चुकी है। तो फाइनली अभी बस कार्य बचा है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करें। ये जो पुराना पोस्ट ऑफिस हुआ करता था वो जो एकदम से पूरी तरीके से तोड़ के हटा दिया गया। अभी पूरा जब ये कंप्लीट होगा, रामपथ के साइड वाले जो मकान हैं वो कंप्लीट होंगी, उसके बाद जब अगर कलर वगैरह भर दिया जाएगा उसके बाद जो लुक आएगा रामपथ का वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सराहनीय आएगा गाइस। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा दिखने के लिए रामपथ, लेकिन अभी फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट में तो बस यही दिखेगा कि अभी जो टूटी हुई मकान हैं वो थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक तरफ से जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि रोड वगैरह पे लाइटें वगैरह भी लगनी है। लाइटें वगैरह लगने के बाद जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब अलग ही लुक आएगा। बस इस समय परेशानी छोटे छोटे दुकानों को हो रही हैं, क्योंकि अभी जो सीवर का काम चल रहा था इस वजह से खुदाई हुई है, तो रोड से दुकान तक जाने का जो रास्ता है वो ऐसे लकड़ियों का जो सीढ़ी टाइप का बना के इस तरीके से रखा जा रहा है, उससे ही काम चल पा रहा। बाकी आप देखेंगे तो काम अभी भी यहाँ भी चालू है, इस वजह से यहाँ पे जाम लग रहा है, क्योंकि काम भी चालू है और अंदर आवागमन बड़ी गाड़ियों का भी हो रहा है। अभी यही छोटी गाड़ी आते तो इतना जाम ना लगता,
और फाइनली राइट साइड जो SBI की बाउंड्री थी वो भी टूट के कंप्लीट हुई है। और अभी आप देखेंगे तो रामनवमी के बाद भीड़ कम हुई है, रामनवमी के पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस खासकर इस रूट पे, बाइक लेके आना भी संभव नहीं था गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और अभी फाइनली पहुँचे हैं तुलसी उद्यान, जो कि काफ़ी खूबसूरत छोटा सा पार्क जो बना हुआ है वो है तुलसी उद्यान का, काफ़ी अच्छा लगता है घूमने की जगह है ये, शाम के टाइम बैठने की जगह है ये कि ये एक राम पैड़ी पे कि अगर फैमिली के साथ आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा, खासकर शाम का जो व्यू आता है वो, शाम को इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी राम की पैड़ी पे। अभी इधर राइट साइड पे काम नहीं हुआ, इधर भी राइट साइड पे काम अभी होना है। अभी धीरे धीरे आपको अयोध्या में काफ़ी जगह ऐसी मिलेंगी जो घूमने लायक, जैसे अभी लता मंगेशकर चौक बना हुआ है, लता मंगेशकर चौक पे भी शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और हमेशा उसमें एक यूनिक चीज़ है कि लता जी के जितने भी गाने हैं पुराने वो हमेशा चेंज करके हमेशा बजते रहते हैं। बाकी ये देखेंगे तो आप जो छोटी छोटी पाइपें हैं ये सब लगनी है इसमें, यही जो बीड़ा लग गई है इससे और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा है ये, जो नया घाट का पहले चौक कहा जाता था वो अभी फाइनली लता मंगेशकर चौक हो गया है। और ये जो बीड़ा है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, इसमें जब शाम को लाइटें पड़ती हैं तो और ज़्यादा अच्छा दिखता है पूरा बीड़ा। बाकी प्रशासन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सख्ती यहाँ पे अब बरती जा रही है, क्योंकि पहले क्या था कि आप ऊपर वगैरह जाके जो टाइल्स वगैरह लगे हैं उस पर छेड़खानी वगैरह होती थी, इसको देखते हुए अभी फाइनली ऊपर पे जाना मना कर दिया गया। और ये आप देखेंगे तो पूरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस। तो अभी हम हैं लता मंगेशकर चौक, तो फाइनली हिराप पथ पे जो कार्य हो रहा था वो मैंने आपको दिखाया, अभी फाइनली कितना काम चला है। और आगे राम कथा पार्क भी है लेफ्ट लेके। तो फाइनली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अयोध्या से डेवलपमेंट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय श्री राम।